ऐसा डिफरेंस नहीं है, सब लोग एक इंसान, एक दूसरे को प्यार करने का, रेस्पेक्ट करने का, एक जैसा रहने का। वो राजा का टाइम में ऐसा ही था, उसका वो हमारा देश में कोई कास्ट नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था, सब लोग एक था, यूनिटी, वही मतलब है ओणम का। इसलिए हम केरल वाला किधर भी जाते हैं ओणम मना रहे। आप लोग ये व्हाट्सअप सब देखेगा, फेसबुक देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, अब ये इंटरनेशनल फेस्टिवल बन गया हमारा ओणम। हिंदुस्तान में सबसे छोटा स्टेट है, मगर वर्ल्ड में किधर भी जाओ हमारा केरलाइट्स है, वो लोग हम लोग ये ओणम फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं। हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इसमें कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम लोग मना रहे हैं। वर्ल्ड में हम लोग जिधर भी जाएगा हम लोग ये मनाएगा। अब ये दुबई में ऐसा मना रहे हैं, वो इंटरनेशनल फेस्टिवल जैसा, गोरे लोग, अंग्रेजी लोग हमेशा हमारे हमारे केरल का धोती पहन के, अब तो देखो ना केला का पत्ते में खाना बना के खाता है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसका थीम यही है, हम सब एक है। तो नेक्स्ट अगले ओणम तक, अगले साल का ओणम तक हम लोग ये फेस्टिवल ऐसा ही, इसका जो स्पिरिट है हमारा लाइफ में रहना चाहिए, कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई स्टेट का डिफरेंस नहीं है, हम लोग एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। हमारा काम में भी गेल्फेशिया कंपनी ये तुरई रीजन में आया, बाकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इधर से खाली करके जा रहे हैं, हम लोग और भी कुछ साल कंटिन्यू इधर ही रहेगा। हमारा काम में भी, हमारा साइट में भी, प्रोजेक्ट में भी, हमारा कैंप में भी है, जो प्यार है ना, ये लव, ये यूनिटी रहना चाहिए, यही हमारा ये मनाने का, इसलिए हम मना रहे हैं कि ऐसा रहना